स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। भोपाल नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 77 में हुए नाले के 71 लाख रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व कांग्रेस पार्षद और वार्ड के निवासी जनता ने किया प्रदर्शन। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि वार्ड नंबर 77 के देवकी नगर में लंबे समय से पानी जमा होने की समस्या बनी हुई है, जिसके लिए लगभग 71 लाख रुपए का नाला बनाने की योजना की गई थी, परंतु भ्रष्टाचार के चलते देवकी नगर का नाला अभी तक नहीं बन पाया है, जिससे कि आम निवासी जनता काफी समस्या झेल रही है। बताइए क्या समस्या आपकी, क्या समस्या है, आप लोगों की क्या मांग कर रहे हैं? आज हमने 2017 पे प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय नगर निगम आयुक्त के नाम, कि क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। 71 लाख रुपए का 1500 मीटर का देवकी नगर का नाला ये लोग खा गए, और ये पीछे आप देख रहे हो कर्मा देवी हॉस्पिटल के पीछे जो रोड बना था 6 महीने पहले, वो रोड आज बिल्कुल उखड़ गया है। ये स्थिति पूरे क्षेत्र की है, जहाँ पर भी कार्य होता है वो कुछ समय के लिए होता है और वो बाद में उखड़ जाता है। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर सिविल इंजीनियर जो है उनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, और उन्होंने जो काम किए अगर वो काम में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ पर 5 वार्ड आते हैं, करीब करीब 200 कर्मचारी उनके पास है काम करने के लिए, लेकिन मौके पे 50-60 कर्मचारी भी नहीं आते हैं। तो ये एक खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता परेशान है। साफ सफाई से नाली सफाई नहीं हो रही, रोड सफाई नहीं हो रहा, चारों तरफ घरों में पानी भरा हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि इसकी तत्काल जाँच करके और जो संबंधित अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये हमने माननीय जोनल अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है आज मुख्यमंत्री जी के नाम पर, और ये इनसे मांग की है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको तत्काल बर्खास्त करे, और जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में देती है उसको बर्बाद होने से तत्काल बचाए। सर, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी कपूर के मैच अभी संज्ञान में आया, आयुक्त महोदय को उसकी जानकारी दी है। को लेके आप आगे के कार्रवाई जांच कराएंगे क्या? जी, आयुक्त महोदय के निर्देश पर। ठीक है, धन्यवाद। चल, धन्यवाद। स्वाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। बताइए क्या समस्या आपकी, क्या समस्या है, आप लोगों की क्या मांग कर रहे हैं? आज हमने 2017 पे प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय नगर निगम आयुक्त के नाम, कि क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। 71 लाख रुपए का 1500 मीटर का देवकी नगर का नाला ये लोग खा गए, और ये पीछे आप देख रहे हो कर्मा देवी हॉस्पिटल के पीछे जो रोड बना था 6 महीने पहले, वो रोड आज बिल्कुल उखड़ गया है। ये स्थिति पूरे क्षेत्र की है, जहाँ पर भी कार्य होता है वो कुछ समय के लिए होता है और वो बाद में उखड़ जाता है। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर सिविल इंजीनियर जो है उनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, और उन्होंने जो काम किए अगर वो काम में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ पर 5 वार्ड आते हैं, करीब करीब 200 कर्मचारी उनके पास है काम करने के लिए, लेकिन मौके पे 50-60 कर्मचारी भी नहीं आते हैं। तो ये एक खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता परेशान है। साफ सफाई से नाली सफाई नहीं हो रही, रोड सफाई नहीं हो रहा, चारों तरफ घरों में पानी भरा हुआ है।
तो हमारा ये कहना है कि इसकी तत्काल जांच करके और जो संबंधित अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये हमने माननीय जोनल अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है आज मुख्यमंत्री जी के नाम पर, और ये इनसे मांग की है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको तत्काल बर्खास्त करे, और जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में देती है उसको बर्बाद होने से तत्काल बचाए। सर, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी कपूर के मैं अभी संज्ञान में आया, आयुक्त महोदय को उसकी जानकारी दी है। इसको लेके आप आगे क्या कार्रवाई जांच कराएंगे क्या? जी, आयुक्त महोदय के निर्देश में कार्रवाई। ठीक है, धन्यवाद सर। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।